नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं अपने बाड़ी से आपको लाइव दिखा रही हूँ कि हम आज कुम्हड़े की पत्तियों यानी पंपकिन लीफ से कुम्हड़ा भाजी बनाने जा रहे हैं। जो ये बोलते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कि अब्बड़ मीठा था, सच में बोलते थे, मैं सुनती थी पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया और अचानक से मेरा मन हुआ कि चलो मैं ट्राई करती हूँ। सच में बहुत ही टेस्टी लगता है ये सब्जी, तो चलिए जल्दी से फटाफट से बनाते हैं। उसके लिए करना क्या रहता है, ये तो मैं अपने बाड़ी से ले रही हूँ सब्जी कुम्हड़े का पत्ती, तो ये पुरानी वाली पत्तियों का ना लेके आप देख रहे होंगे, ये जो छोटी छोटी नई नई सॉफ्ट वाली पत्तियां रहती हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप मार्केट जाएं, देखिए इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है, तो नरम वाली पत्तियों को कलेक्ट करें, तो इनको धो के बारीक बारीक कट कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैं इसका जो स्पेशल ट्रिक है वो बताऊंगी, और आपको भी कोई और आइडिया है इसके अलावा इसमें और ऐड करना रहता है तो बताइएगा। वैसे तो ये बहुत ही टेस्टी लगी है, जिसकी वजह से मैं मात्र 2 बार बनाई हूँ और 3री बार मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं भाजी को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसके साथ में हमको कुम्हड़ा, ये देखिए आधा किलो भाजी थी तो उसमें इतना बड़ा कुम्हड़े का टुकड़ा बारीक बारीक मैंने कट लिया। अगर कुम्हड़ा नहीं है तो तोरई या गिलकी डालते, इसके कारण क्या होता है ये भाजी जो है थोड़ी सी चिकनी हो जाती है। तो यहाँ पे कुकर में हमने डाला है आधा कप के आसपास पानी और इसको डाल के उबाल लेते हैं। पहले एक बार सीटी आने के बाद से हम इसको 2-3 सीटी या 10 मिनट तक से उबालेंगे, ठीक है। तो जब तक ये पक रहा है हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। 10 मिनट तक हमने इसको प्रेशर कुक किया है, तो देख रहे हैं आप हमारी भाजी जो अच्छे से गल गई है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेंगे। जरा जरा से ये पानी है ये बाद में अभी जब फ्राई करेंगे तो पक जाएगा। तो चलिए पहले इसका तड़का लगाते हैं मैश करके। तो ये हमने चम्मच से दबा दबा के देखें आपस में मैश कर दिया। देख रहे कितनी चिकनी ये दिख रही भाजी में, अभी अभी से मुंह में पानी आ रहा है। चलिए जल्दी से इसका तड़का लगाते हैं। तड़का के लिए हमने ये कढ़ाई रखा है लोहे की, और इसमें ये देख रहे हैं तेल का कोई मेजरमेंट नहीं है इसमें, आप इसको कम से कम तेल में भी बना सकते हैं और ज्यादा तेल भी डाल सकते हैं, जैसा आपका पसंद। मैं थोड़ा कम ही तेल में बनाती हूँ क्योंकि जो जहाँ पॉसिबल होता है वहां पे मैं कम तेल यूज करती हूँ। और यहाँ पे लिया है मैंने हरी मिर्ची अपने टेस्ट अनुसार, जीरा, और ये लहसुन की कलियों को काट लिया है, और ये है राई। तेल गर्म हो गया है, ये हमने डाला जीरा, ये चटकने लगेगा तो डालेंगे इसमें लहसुन। सॉरी, उसके पहले हमने डाला राई, राई चटकने लगी तो डालेंगे लहसुन, और उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च। इसमें मेजरमेंट का बहुत नहीं रहता है, आप बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कुम्हड़े के पत्ती बना रहे हैं तो उसमें कुम्हड़ा या तोरी जो भी डालेंगे उसको थोड़ा कम रखेंगे, नहीं तो कुम्हड़े का स्वाद दब जाए। थोड़ा बहुत ज्यादा होने से भी चल जाता है, बट उसको थोड़ा सा हमको कम रखना रहता है। ये हमारा तड़का रेडी हो गया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर यहाँ पे हम लोग डाल देंगे इसमें भाजी को। आप इसकी हरियाली तो देख ही रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि कितना हेल्दी है। स्वाद तो आप बनाएंगे तो ही पता चलेगा। और आपको याद होगा अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला था, तो यहाँ पे डालेंगे हम नमक। तो यहाँ पे डाला हमने स्वादानुसार नमक, और इसको थोड़ा सा 5 मिनट तक तेज फ्लेम पे भूनेंगे। बस 5 मिनट तक भूनेंगे, जरा सा इसका पानी जो है वो सूख जाए तब तक। भाजी जो है हमारी लगभग रेडी हो गई, देख रहे हैं कितनी चिकनी बनी है और कितनी हरी। अगर आपको ये भाजी पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि बहुत टेस्टी लगती है, मीन्स अब्बड़ मीठा थे। और कैसी लगी ये रेसिपी जरूर जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और जो लोग अभी तक ट्राई नहीं किए हैं जरूर ट्राई करें। थैंक यू।